जिला बिलासपुर के किसानों को गेहूं बेचने के लिए कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब किसान अपनी गेहूं को सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 1,975 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेच सकते हैं। इसके लिए गेहूं खरीद केंद्र घुमारमी के स्थित पट्टा में खोल दिया गया है। ये जानकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने भारतीय खाद्य निगम के सहयोग से हिमाचल कृषि विभाग और हिमाचल खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के संयुक्त तत्वावधान में घुमारवी शहर के नजदीक पट्टा में गेहूं की फसल की खरीद के लिए केंद्र का शुभारंभ करने के उपरांत ही उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार किसानों को फसलों का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी श्रृंखला में घुमारवी स्थित पट्टा में खरीद केंद्र का कार्य शुरू कर दिया गया है। अब किसान अपनी गेहूं को उपरोक्त केंद्र में बेचकर अपनी फसल का उचित दाम पा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस खरीद केंद्र में बिलासपुर तथा साथ लगते अन्य जिलों के किसान भी इस खरीद केंद्र का फायदा उठा सकते हैं। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 8 स्थानों पर फसलों के लिए फसल खरीद केंद्र खोले गए हैं। उन्होंने बताया कि फसल खरीद केंद्र खोलने के कारण किसानों को बिचौलियों से राहत मिलेगी तथा किसान अपनी गेहूं की फसल को सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। उन्होंने बताया कि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,975 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, उसी के हिसाब से किसानों को फसल बेचने पर कीमत मिलेगी। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में काला आम, पौंटा साहिब, नालागढ़, घुमारवी जिला ऊना में ऊना और हरोली, कांगड़ा में मंड और इंदौरा 8 स्थानों पर फसल खरीद केंद्र खोले गए हैं, ताकि प्रदेश के किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े और ना ही बिचौलियों के पास जाना पड़े। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल के सही दाम मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश में इस प्रकार के केंद्र खोले गए हैं। उन्होंने बताया कि इस बार प्रदेश में 4,600 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे निश्चित तौर पर पूरा किया जाएगा। आज यहाँ घुमारवी में भारतीय खाद्य निगम के सहयोग से हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग और हिमाचल प्रदेश खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ गेहूं की खरीद का सेंटर जो है ये खोला गया। पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 8 स्थानों पर सरकार के द्वारा गेहूं खरीद के केंद्र खोले गए हैं, जिसके कारण किसानों को बीच के जो बिचौलिए हैं या दलाल हैं वो जो बीच में ठगते रहे हैं उससे छुटकारा मिलेगा। किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, जैसे आज गेहूं का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1,975 रुपए पर क्विंटल है, तो उसी के हिसाब से किसानों को इसके कीमत जो है वो मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के अंदर कालाम, पौंटा साहिब और नालागढ़, यहाँ घुमारवी, ऊना में हरोली और ऊना, कांगड़ा में मंड और इंदौरा, ऐसे 8 स्थानों पर जो है ये कृषि प्रोक्योरमेंट के जो केंद्र हैं ये खोले गए हैं, ताकि हिमाचल प्रदेश के किसानों को अपनी फसल बेचने की किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, कठिनाई ना आए और ना ही किसी के द्वारा उनको ठगने का अवसर मिले। इसलिए किसानों को सही दाम उनकी फसल के मिले, इसलिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के दिशा निर्देश में यह काम हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू किया है। और आज हमें ये गर्व हो रहा है कि अब एक साथ 8 स्थानों पर आज हिमाचल प्रदेश के अंदर ये कृषि जो खरीद के जो केंद्र हैं ये शुरू हो गए हैं। और हमारा जो है इस बार हिमाचल प्रदेश के अंदर 4600 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद करने का लक्ष्य है, जिसको हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। जो धान की जो फसल है उसकी खरीद शुरू कर दी है, उसमें काफ़ी लोगों ने उत्साह दिखाया और लगभग 1300 मीट्रिक टन जो है उसमें खरीद हुई है।